हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ। अब आप बोलोगे कि अब तो जो भी वीडियो बनाते हो मैं सबको बेस्ट बता दो, तो यस, मैं शैम्पू के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अच्छे अच्छे शैम्पू बताए जो बेस्ट थे, बट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट शैम्पूज होते हैं, वो उनमें से कौन सा बेस्ट है वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ हेयरोमिक्स का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, विच स्पेशली वर्क ऑन सीबोरिक डर्मेटाइटिस, लाइक आपका जो स्कैल्प में आपने बहुत से देखा होगा दाने वाने हो जाते हैं और खुजली होती है, लाल लाल से दाने पड़ जाते हैं बहुत सारे, और डैंड्रफ में जो होता है वो जनरली फंगल इन्फेक्शन, तो फंगस जो ग्रो होती है वो वहाँ पे फ्लेकिंग करती है, और दो टाइप की डैंड्रफ होती है, होती ऑयली एक होती ड्राई, तो ड्राई में तो अपनी झड़ती रहती है और ऑयली वहाँ पे बहुत गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है, तो आप खुजाते हैं तो नाखून में भी निकल के आता डैंड्रफ, और डैंड्रफ के कारण आपको बहुत सी दिक्कतें और भी हो सकती हैं, कई लोगों को डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हेयर फॉल, और डैंड्रफ के कारण एक्ने भी होते हैं बिकॉज विच इज़ फोरहेड पे आने लगते हैं, वो डैंड्रफ इंड्यूस होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल के कारण जैकने कॉज होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास दो शैम्पू हैं और सिलेक्शन आपको कैसे करना है अच्छे शैम्पू के लिए। आपको अगर डैंड्रफ प्रॉब्लम है तो आपको VRH कंपनी का ADR शैम्पू जो है ये आपको एंटी फंगल शैम्पू है, बहुत अच्छा शैम्पू है, इसमें आपके फंगल इन्फेक्शन को वहाँ पर जो सेल वॉल बनाने नहीं देता, फंगस को जब आप इसको अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो फंगस होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसका जो सेल वॉल होता है उसमें उसको बनाने न्यू सेल वॉल बनाने नहीं देता है, जब उसकी न्यू सेल वॉल नहीं बनती तो वो मर जाता है। तो हमारा काम है डैंड्रफ को फंगल इन्फेक्शन जो डैंड्रफ के फंगल जो फंगस है उसको मारना। तो फॉर एग्जांपल सेम आपके घर है, घर की छत को अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, आप प्रॉपरली नहीं जी पाओगे, तो हम इसमें यही कर रहे हैं, हम उसके सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे, उसको ग्रो नहीं होने देंगे। तो ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेट भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा, साथ में साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, किचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, मतलब बहुत से लोग होते हैं डैंड्रफ के बहुत परेशान होते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस भी करेगा अगर आप डैंड्रफ के कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल के लिए, अगर आपको प्रॉपर डैंड्रफ हो रही है तो बहुत आपके ज़्यादा हेयर लॉस होना चालू हो जाएगा। तो ये स्पेशली डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू है विच वर्क ऑन योर फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग आपको इशू है उसको, इसको लगाने का जो तरीका है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाल गीले करने स्कैल्प में लगा के 5 मिनट मसाज करनी है एंड 5 मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद, और उसके बाद वॉश करना है, हफ्ते में 3 दिन लगातार लगाना है, उसके बाद आपको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे अच्छी सी चीज़ें डली हुई हैं और जो कि आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं वो वहाँ पे एक्टिवली जाके वर्क करके डैंड्रफ से फाइट करते हैं। तो स्पेशली हमारा ये जो शैम्पू है वो स्पेशली डैंड्रफ के लिए है, और इसके बाद मैं आपको शैम्पू इसके MRP है 4,750 समथिंग की है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छा VRH का स्टेम सेल थेरेपी का शैम्पू है विच इज़ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, नॉट बिकॉज ऑफ डैंड्रफ, और बहुत से रीज़न होते हैं हेयर फॉल के, लाइक आपने कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो उसके बाद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, या आपको टीलोजन या एनर्जन फेज को जब लाइफ होती है बालों की, एनर्जन कैटाजन टीलोजन, एनर्जन फेज में बाल ग्रो होता रहता है, कैटाजन में इंटैक्ट रहता है, टीलोजन में फॉल आउट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आपके टीलोजन फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है या कैटाजन फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है तो बाल फॉलिंग चल जाती है, तो ये उसको भी शॉर्ट कर देगा, यानी एनर्जन फेज को बढ़ा देगा और टीलोजन और कैटाजन फेज को शॉर्ट कर देगा, तो और ये आपकी डेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको चाहिए कि डेंस बाल चाहिए तो आप ये वाला शैम्पू यूज करिएगा, और बाकी इसमें जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हमारे सेल को स्कैल्प में जाके जो हेयर फॉलिकल होता है उसमें जाके वहाँ पे ग्रोथ को प्रमोट कर देता है, ये आपकी ग्रोथ को भी बढ़ा देगा। खैर कोई भी शैम्पू है वो एक लिमिट में वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने लगाया और आपके बाल लंबे लंबे हो जाएंगे, साथ में आपको इंटरनल मेडिकेशन भी लेना पड़ेंगे अगर आपको कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको उसके लिए उसके मेडिकेशन लेना पड़ेगा अलॉन्ग विद दीज शैम्पूज। अलॉन्ग अकेला शैम्पू से बाल झड़ना रुक जाएंगे, बाल उग जाएंगे ऐसा नहीं होता है, तो इस बात को समझिएगा। और क्योंकि डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तो मैंने इसके ऊपर ये बहुत अच्छा शैम्पू मुझे लगा जो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में फ़र्क दिख जाएगा कि आपकी डैंड्रफ कंट्रोल होना चालू हो गई है। इसको आपको मैं फिर से बता देता हूँ लगाने का तरीका, लगातार आपको 3 दिन लगाना है कंटिन्यूशन में, 5 मिनट लगा के मसाज करना स्कैल्प में, ऐसा होता है,
और मसाज करने के बाद आपको उसको छोड़ना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद वॉश आउट करना है। तो ये वाला शैम्पू है 450 का, और ये शैम्पू है 565 का। ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा आपको www.letsgomake.com पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो। कोई भी इश्यूज है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं वहाँ पे आपका वेट करूंगा। और आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो शैम्पू लाया है उसको कैसा लगा आपको, इसका रिव्यू यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके रिव्यू का वेट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाए तब तक।